वापस मुझे काम नहीं है। छठी ट्रिप आ रही है मेरे पास पोर्टर पर, कोई पोर्टर की ट्रिप भी लेने को तैयार नहीं। सारी भाई साहब मुंड का आ रहा 348 रुपए। ओला ओला बजरा मेरे पास पोर्टर बस फरीदाबाद टाउनशिप, यानी कि ये 85 सेक्टर का है, पर भाई मेरे को नहीं मिल पाएगा क्योंकि 20 सेकंड का टाइमर चल रहा है मेरा, और टाइमर के चक्कर में मैंने भाई रैपिडो की ट्रिप एक्सेप्ट कर ली। आज 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर को हम लोग काम की शुरुआत कर रहे हैं सुबह 12 बजे, क्योंकि एक घंटे का टाइमर चल गया था इसलिए। ओए देखो अब कोई नहीं उठा रहा। वैसे भी खैर फरीदाबाद और नोएडा खतरनाक जगह है, वहाँ पर काम मिलता नहीं है। देखो किसी और ने अभी भी नहीं लिया, बाकी हमारा कस्टमर यहीं कहीं मिलने वाला है रैपिडो का। ये रे ओटीपी होगा भी आपको। फाइव एट फोर टू आपके हो गए जी भैया प्रीपेड। चलो ठीक है, साउथ एक्स पार्ट वन। ठीक है भैया थैंक यू, रेटिंग कर देना भैया। चलो भाई हम तो 5 स्टार रेटिंग दे दें, बाकी ये क्या देंगे क्या नहीं पता नहीं। 13 किलोमीटर की हमारी ये ट्रिप थी भाई टोटल। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप, और भाई इस ट्रिप से हमारे को कमाई हुई है 99 रुपये। 13 किलोमीटर की ट्रिप थी, 99 रुपये हमारे को इस ट्रिप से अर्निंग हुई है। बाकी वेट है हमारे को यार अपने नेक्स्ट ट्रिप का। और भाई बाइक टैक्सी के जो कानून को लेकर मैं कह रहा था कल की वीडियो में, तो कानून जो बनाया भाई दिल्ली सरकार ने, जो एलजी साहब के पास फाइल है उसमें बताया जा रहा है, मतलब कि सूत्रों के अनुसार, अपने ऊपर नहीं लूँगा भाई, जहाँ तक देख पा रहा हूँ सुन पा रहा हूँ, उसमें दिल्ली सरकार ने क्या किया 100% ही उसको ईवी पर डाल दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। तो जिसकी वजह से जो है ना राइडर्स वगैरह परेशान हैं कि भाई कैसे होगा, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिक, मान लो किसी ने नई बाइक ली है, किसी ने अभी शुरू किया है यार, और फिर एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना कोई हंसी मजाक तो है नहीं, उसमें भाई पैसा लगता है, खर्चा होता है काफ़ी। बाकी अब क्या नतीजा निकलेगा क्या निचोड़ होगा वो सामने आ जाएगा। साउथ एक्स पार्ट वन से मेरे पास एक ऊबर पर कनेक्ट आया फरीदाबाद का, तो चलते हैं देख लेते हैं सामान क्या होगा। फरीदाबाद की यानी कि शानदार ट्रिप है ये वाली, और इससे अर्निंग भी बड़ी जबरदस्त होगी। भाई साहब मुंड का आ रहा 348 रुपये का, पर मैंने एक्सेप्ट कर रखा उबर का, इसलिए मैं ले भी नहीं सकता इसको। ये देखो भाई साहब मुंड का कोई ले नहीं रहा, मुंड का कोई नहीं ले रहा भाई साहब, बताओ 348 रुपये का है। शिवनगर भोला नगर साउथ एक्स से पिकअप है, ये देखो गया भाई साहब पूरा। इसमें 25 रुपये कैंसिलेशन मिला है मेरे को, तो भाई जो ये बुकिंग आई थी उन्होंने किसी संजय जी का नंबर दे दिया, संजय जी को कॉल की तो उन्होंने किसी और विपिन जी का नंबर दे दिया, विपिन जी को कॉल करी तो वो मांगेराम का नंबर दे रहा है, और मांगेराम बोल रहा है कि 46 नंबर पे आ जाओ। अब 46 नंबर मैं काहे को ढूंढूंगा भाई, मैंने फिर दोबारा इसी को कॉल करी जो ऐप पर था नंबर, मैंने कहा भाई क्या चक्कर है क्या क्या हो गया, मैंने संजय किसी का नंबर दे रहा है वो किसी मांगे नंबर दे रहा है किसी, 46 को ढूंढ लो ये थोड़ी होता है सब, कह रहा यार कर लो, मैंने कहा भाई मैं नहीं करता ये सब, मैंने ट्रिप कैंसिल कर दी। अबे स्टार्टिंग में इतने लफड़े, आगे जाके न जाने कितने लफड़े होंगे, ट्रिप बहुत बढ़िया थी और इसके चक्कर में इतनी बढ़िया जो ट्रिप आई थी वो भी छूट गई। पोर्टर वाली 348 रुपये की जो आई थी वो भी इसके चक्कर में छूट गई। अब वेट है मुझे नेक्स्ट ट्रिप का यार, 25 रुपये कैंसिलेशन मिल गया है बस, अब यही है। तो यार इस तरीके का भी काम भी होता है ऊबर पर, आप देख लो उसका एड्रेस मैं भी ढूंढूंगा भाई, जब मैं पिकअप लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ मैं एड्रेस क्यों ढूंढूंगा। हम लोग एड्रेस ही ढूंढते हैं ऊबर पर, और ना हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि भैया जो पिकअप लोकेशन है वहाँ से तो हिलना बेकार है, अगर मान लो बिल्कुल ही आपको नीड है, बिल्कुल ज़रूरत है कि भाई जाना ही है उस जगह पर जहाँ की ट्रिप है, तो भले ही आप ढूंढते रहो, पर भाई मैं तो नहीं ढूंढता काहे को। मैं 48 नंबर पता नहीं कहाँ 10 गली छोड़ के होगा, मुझे थोड़ी पता, जब इतने पंगे में घुस गया हूँ अगर थोड़ा और पंगे में घुसूंगा तो पंगे में घुसता ही चला जाऊँगा, इसलिए सुबह से वैसे छठी ट्रिप आ रही है मेरे पास पोर्टर पर, कोई पोर्टर की ट्रिप ही लेने को तैयार नहीं, सारी ट्रिप खाली जा रही है भाई, कोई नहीं ले रहा ट्रिप।
ये देखो ये भी ट्रिप कोई नहीं ले रहा। पहली आई थी मेरे पास भाई फरीदा, पहली आई थी नोएडा की, फिर फरीदाबाद की, फिर जयपुर मिठापुर की, फिर अभी एक जो ट्रिप आई थी, पांच छह ट्रिप आ गई, कोई लेने को तैयार ही नहीं। आज राइडर है नहीं क्या मैदान में? ये देखो ये भी गई, कोई भी नहीं लेने को तैयार है भाई। और मेरा टाइमर चढ़ता जा रहा। आज आप तो वही जिनका विश्वकर्मा कॉलोनी से लाया हूँ मैं, है ना? हेलो वो पोर्टर फिर बजा लो वाला, नेहरू नगर लाजपत नगर, टाइमर चल रहा भाई, बैक टू बैक ट्रिप बजा रहा है और मैं इसकी ट्रिप नहीं ले रहा। एक मिनट रुकना भैया, इसको शांत हो जान दो। देखो जरा यही देखो, आज इसकी सातवीं ट्रिप है भाई साहब, ले नहीं रहा मैं ट्रिप आज इसकी पोर्टर की एक भी। आज टाइमर चढ़ाना, आज ट्रिप नहीं लेनी इसकी एक भी। जब छठी सातवीं नहीं ली तो अब तक क्या लूँगा। ओ टी पी क्या भैया? 5 8 4 2। बैठ जाइए भैया। ये है दयाल सिंह कॉलेज है, बताओ लोकेशन ना जाने कहाँ की पकड़ ली ना। कर दूँ कंप्लीट ऑनलाइन है ये भी? अच्छा चलो ठीक है भैया, थैंक यू। लोकेशन अपडेट करवाई है मैंने, पहले पता नहीं कहाँ ले गया जीपीएस मुझे, तो लोकेशन अपडेट भी करवानी जरूरी है भाई। फेयर बढ़ता नहीं तो बढ़ता ही नहीं। 144 रुपये हो गया, यानी कि 100 रुपये थी हमारी वो, तो 44 रुपये इस वाली ट्रिप से मिले। अगर अपडेट नहीं कराता ऐसे ही आ जाता ना, तो भाई कंपनी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 25 रुपये देती। तो यानी कि भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो, कस्टमर अगर लोकेशन जो है वहाँ से इधर उधर ले जा रहा है तो अब से अपडेट करवाओ, तभी आगे बढ़ो। अपडेट कराओगे तो अपडेट में फिर फेयर बढ़ता है, नहीं अपडेट कराओगे 1.5 किलोमीटर वैसे ले जाओगे फेयर बढ़ेगा ही नहीं। तो इसमें लगभग 14 रुपये का फ़र्क पड़ा है जब मैंने अपडेट करवाया। कई बार हम लोग सोचते हैं यार जाने दे, कस्टमर बोल रहा है ठीक है ये वो, तो वो अपने आप से बहुत कम बढ़ता है, और रैपिडो पर तो मुझे लग रहा है शायद बढ़ता भी ना हो। देखो ये उबर है, इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये पोर्टर ही बज रहा, किसी ने नहीं लिया। रोहिणी का 278 रुपये की ट्रिप अभी मैंने नहीं ली, ऐसा आज पोर्टर बैक टू बैक दे रहा है। 144 मिनट का मेरा टाइमर चल गया, 6 ट्रिप मैं मिस कर चुका हूँ, ट्रिप नहीं ले रहा मैं आज। और मैंने रैपिडो पर एक ट्रिप एक्सेप्ट की है सेक्टर 16 की। तो चलते हैं यार, आई एम एट द लोकेशन। अच्छा जी ठीक है, अब रिप्लाई करो इसे पहले। ओके अब देखते हैं इसका पिकअप लोकेशन कितना है। गो मैक, 2.5 किलोमीटर का पिकअप है भाई इस बंदे का। चलो चलते हैं यार पिकअप लेते हैं चल के, सेक्टर 16। तीसरी ट्रिप है, इंसेंटिव भी है 115 रुपये। हाँ भैया आप हैं? देखो सुनिए मेरे, रैपिडो। हेलो भैया जी, आप इस ब्रिज पे हो? मैं उस ब्रिज पे था, आपने बुकिंग डाली थी वहीं रहते तो इतनी कंफ्यूजन ही नहीं होती। यहाँ डाला हूँ मैं, यहाँ पे बुकिंग डाला हूँ। चलो कोई नहीं, मैं उस वाले ब्रिज पे खड़ा था। ओटीपी क्या है? ओटीपी है 1764। 1764 हाँ, 1761। हाँ बैठ जाइए भैया। कितने किलोमीटर की है? 12 किलोमीटर की ट्रिप है। चले भैया, वो दो ब्रिज है ना, ये दोनों एक जैसे हैं। मैं उस वाले पे खड़ा था, लोकेशन आपकी यहाँ थी, बीच आधे रास्ते में आ गया था मैं, आपने बोला ब्रिज पे आ जाओ तो मैं वो वाले ब्रिज पे चला गया। न्यू अशोक नगर सेक्टर 16 दिखा के न्यू अशोक नगर भेज दिया भाई, रैपिडो कमाल का बंदा है। आपके हो गए 106 रुपये, इसी पे कर दो आप। तीन ट्रिप हुई है हमारी और 245 रुपये की कमाई हमारी अभी तक हुई है, और शायद एक इंसेंटिव मुझे मिला हुआ, देखूं जरा। ये वाला एक इंसेंटिव कंप्लीट हुआ है, 3 राइड वाला, इसमें 15 रुपये इंसेंटिव मिला है मुझे। अभी 2 राइड और कर दूंगा, अगर कितने बजे तक, 4 बजे तक अगर 2 राइड और कर दूंगा तो 20 रुपये ये वाले मिल जाएंगे। न्यू अशोक नगर से मैं एक सेक्टर 63 नोएडा लेके आया हूँ भाई, और 4 बजे से पहले एक ट्रिप मुझे कंप्लीट करनी है ताकि 20 रुपये का इंसेंटिव है वो मेरा कंप्लीट हो जाए। पर भाई आधे घंटे से ऊपर तो हो गया मुझे वेट करते हुए, अभी तक एक ट्रिप मुझे मिली नहीं है। मुझे अभी भी वेट है यार कि अगर ये एक ट्रिप दे देंगे मेरे को तो मेरा 20 रुपये का इंसेंटिव जो है मिल जाएगा। 15 का एक इंसेंटिव ले चुका हूँ, 20 का ये वाला इंसेंटिव मिल जाए। 327 रुपये का काम अभी तक हम कर चुके हैं, और मेरी बाइक लगभग
52-55 किलोमीटर चल चुकी है। तो भाई 20 रुपए बचाने के लिए एक ट्रिप नहीं दी मुझे रैपिडो ने, अब बताओ। ओला पर मैंने एक ट्रिप ली है वेस्ट विनोद नगर की। चल ओला बुक किया, ओला वसुंधरा नाम से। अच्छा OTP होगा आपके पास? कोई नहीं, आराम से पी लो। सॉरी 3624। ठीक है बैठिए, ये लीजिए और आराम से ही चलिएगा, कोई मतलब वैसे जल्दी नहीं है। ठीक है। एक मिनट, यहीं पे? हाँ बस। ठीक आप मतलब जैसे जहाँ से आपने मुझे लाया था, हाँ वापिस? हाँ जी, मुझे काम नहीं है, मुझे 5 मिनट का ही काम है बस। मैम मैं तो निकलूंगा, मेरे पास राइड है दूसरी। अच्छा, राइड हाँ अभी मैंने एक्सेप्ट कर ली ना राइड दूसरी। चलिए हो गया, थैंक यू। नहीं अगर सिर्फ बाहर तक जाना तो छोड़ दूंगा, मैं जा ही रहा हूँ बाहर तो। अच्छा वहाँ कुछ भूल गए आप? अच्छा, तो आप हो जाओ 5 मिनट में, मैं ही खड़ा हूँ तो देख लेता हूँ, मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है 87 दे देना, वापसी वहीं छोड़ दूंगा मैं आपको। अच्छा, 5 मिनट। मोजपुर मैम, आप मेरे को लोकेशन डाल देना जरा इस पे GPS पे। ये एक सेकंड रुकिए, मेरे को पता नहीं है ना वहाँ का। हाँ, ये लो आप लोकेशन डाल दो इसको। थोड़ा इजी है ये, सेक्टर 63 का ही डाला आपने। हाँ, हाँ, तो आपको चाबी देना था सिर्फ। हाँ, चाबी लेना था तो आपने गलती कर दिया। हाँ जी, आपको पिकअप लोकेशन ये डाल के ना, हाँ, बुकिंग डाल देनी चाहिए थी और अपना ड्रॉप लोकेशन वहाँ डाल देते। अच्छा, तो कोई बंदा जैसे मैं हूँ ना एक तरीके से। हाँ, हाँ, अब मान लो आपने लोकेशन यहाँ की डाली होती ना पिकअप लोकेशन पे, अगर आपने पिकअप लोकेशन में यहाँ की लोकेशन डाली होती ना, तो मैं यहाँ पर जैसे आता और चाबी लेके, और जैसे मान लो और कोई राइडर होगा यहाँ पे, वो चाबी लेके आपके पास आ जाता वहीं पे। ये एक्चुअली ये पहले ऐसे मैंने किया ही नहीं है। नहीं ऊपर तो किया है, ऐसे मैंने पहले किया। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे करना, मान लो आपको कुछ चीज चाहिए कहाँ से कहीं से है ना, हाँ, तो उस जगह की पिकअप लोकेशन डाल देना। हाँ, और जहाँ पर वो चीज चाहिए वहाँ की ड्रॉप लोकेशन डाल देना। हाँ, तो फिर आपका वहाँ पर आएगा वो, तो वो पिकअप ले लेगा वहाँ से और आपको ड्रॉप दे देगा। तो ऐसे मान जाएंगे? हाँ, इसमें पार्सल का ऑप्शन भी आता है ना। पार्सल का ऑप्शन भी आता है, तो आपने पार्सल के तौर पर चाबी बुक कर दी कि भाई अब कहाँ पे यहाँ सीधा चलना है। अच्छा उनको देख रहे हो आप, वो तो पैदल जा रहे हैं ना, टाइम लग जाएगा उनको, वो पैदल है ना, उनको तो टाइम लगेगा अंदर से आ रहे हैं। नहीं पता है, अगर आपका राइड हो जाता ना, हाँ, तो मैं इनको बोलती कि आप चलिए मैं साथ में। तो मैंने तो आपको कितनी बार कहा है कि आप चले जाओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। सही नहीं लगता। नहीं वो मेरी मौसी है सगी, इतना गुस्सा आ रही है कि नहीं ऑफिस छोड़ के क्यों, हाँ क्या बोलूं मैं भाई, मैं बोल रही हूँ ना इंडिया के माँ बाप उन लोगों को फिक्र रहती है। पर आपने अब ये अपना समय और पैसे आपके थोड़े से, पर ये कि चलो आप मिल लिए, आप वो कहीं जा रहे हैं ट्रैवल पे, हाँ, तो ये मिल लिए आप तो वो हो गया, बाकी तो नहीं तो दूसरा नेक्स्ट टाइम कभी करोगे तो ऐसे करना, आराम से उतरना। हाँ उसी पे कर दो। हाँ, मैं आपको पूरा ना 90 दे देती हूँ। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टाइम याद रखना बुकिंग करना पार्सल वाली, आपको जाके आना नहीं पड़ेगा, वहाँ से अपना वो लेके आएगा, आपका पार्सल आपको दे देगा यहीं लाके। हाँ, तो भाई यहीं से मैडम को पिकअप किया था मैंने और यहीं ड्रॉप कर दिया। 90 रुपये मिल गए ऑफलाइन में भाई, 10 किलोमीटर है, ठीक है कोई बुराई नहीं है, पर मैं यार आना नहीं चाहता था, दोबारा नोएडा में इंटर कर गया हूँ। अब सोच रहा हूँ कोई मिल जाए यार तो निकलूँ घर की तरफ। अब आ जाओ भैया, कहाँ जाना? संगम यार, हैं
हाँ बताओ ऑटो ओटीपी। 97 92 97 92 बैठ जाइए भैया। संगम बिहार की जबरदस्त ट्रिप और घर के पास की वो भी। आप चलेंगे? आप भी चलो। क्या जबरदस्त ट्रिप है भाई साहब, मजा आ गया। घर के पास ही 32 किलोमीटर में। तो भाई रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने एक ये 25 रुपये उबर से जो मेरा कैंसिल हुआ था कनेक्ट वाला वो, और एक ये मैंने दो ट्रिप करी है ओला की, 288 रुपये काम किया ओला के साथ, और रैपिडो के साथ मैंने किया 327 रुपये काम। तो 327 और 200 300 200 500 600 625 और 100 रुपये ऑफलाइन। 625 और 100 रुपये ऑफलाइन जो मैं मैडम को लेके आया था विनोद ईस्ट विनोद नगर से नोएडा सेक्टर 63 लेके गया था। तो ये हमारी अर्निंग है और बाइक मेरी लगभग 100 किलोमीटर क्रॉस कर गई है, 100-110 के बीच में मेरी बाइक चली है। पर एक चीज मैंने देखी है, जैसे कि कल मैं पोर्टर की ट्रिप नहीं ले रहा था, मैंने पोर्टर की एक भी ट्रिप एक्सेप्ट नहीं करी। अगर मैं पोर्टर का काम करता तो मैं ज्यादा अर्निंग कर लेता और मेरी मेहनत थोड़ी कम लगती। अभी परसों मैंने एक वीडियो डाली थी तो एक भाई कह रहे थे कि आप लगातार पोर्टर ही पोर्टर कर रहे हो भैया, कभी ओला उबर रैपिडो भी करके दिखाओ। तो मैंने सोचा चलो यार आज मैं करके देखता हूँ। ओला उबर और रैपिडो में क्या है, छोटी छोटी ट्रिप्स मिलती हैं और अर्निंग पोर्टर के मुकाबले कम है। मुझे लगता है कि सवारी के अंदर कमाई पार्सल के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सवारी में ज्यादा दिक्कतें आती हैं हम लोगों को। और छोटी छोटी ट्रिप्स में तो वैसे भी कुछ बचता नहीं है, 30-50 रुपए की ट्रिप्स में कुछ खास बचता नहीं है। बस सिर्फ यह है कि आदमी मेहनत कर रहा है, पूरी कसरत हो जाती है, यानी कि ओला उबर रैपिडो करने वाले को जिम करने की जरूरत नहीं है, उसकी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती है। अर्निंग बहुत ज्यादा खास नहीं हुई है, पर यह कि दिन खराब नहीं हुआ, कमाई हमारी फिर भी हो गई है। वीडियो आ रही वाली देखो यहां तक, ये वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।